हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। पीछे देखिए हमारा एक बैनर लगा हुआ है, लिखा है यहाँ पर कपूरीपुर। शायद आपको ना दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके लिख दिखा दूँ। यहाँ पर ये कपूरीपुर है। इसके पहले मैं यहाँ पर इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ ये नवरात्रि का, जो कि पिछले साल बहुत ज़्यादा लोगों ने 50,000 से ज़्यादा लोगों ने नवरात्रि का यहाँ पर वीडियो देखा था। और कपूरीपुर में एक और प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, जय गुरुदेव का यहाँ पर कल सत्संग होने वाला है। तो यहाँ पर एक पंकज जी महाराज यहाँ पर आए हुए हैं पीछे। इसमें कई दिनों से लगभग काम चल रहा है यहाँ पर, लगभग मुझे लग रहा है एक महीने से ज़्यादा काम चल रहा है। लेकिन चलिए आज मैं अंदर दिखाता हूँ। आज है 21 तारीख, कल है 22 सितंबर। कल यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है जो कि 11 बजे के आसपास होगा। तो चलिए आज मैं अंदर का सीन दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। फिलहाल जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ पर एक गेट बना दिया गया है। फिलहाल चारों तरफ से अभी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। फिलहाल मैं थोड़ा जूम करके कैमरा दिखा दे रहा हूँ, लोग गाँव की तरफ गए प्रचार करने के लिए। अभी यहाँ पर बैनर लगा हुआ, चलिए मैं अंदर का सीन दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आने, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कम से कम 10,000 से कम लोग यहाँ पर कल आने वाले नहीं, इससे ज़्यादा लोग यहाँ पर कल आएंगे। जय गुरुदेव भाई। और यहाँ पर देखिए चल रहा हूँ मैं आगे फिलहाल, और ये भाई साहब हमको इंडिकेट कर रहे हैं सबसे पहले किधर चले। हाँ हाँ, चारों तरफ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर ये सब खाना पीना खा रहे हैं। तो ये पिछले कई दिनों से ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं, ये यहाँ के कार्यकर्ता हैं। सभी लोग यहाँ पर देखिए लाइन लगा कर भोजन कर रहे हैं अभी यहाँ पर। और अंदर जहाँ पर एक बना दिया गया है कैंप टाइप का, यहाँ पर खाना बन रहा है। यहाँ पर लगभग रात में यहाँ पर कम से कम 200 से 300 यहाँ पर औरतें और 300 ऐसे ज़्यादा पुरुष भी रहते हैं, काम करने वाले यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर खाना पीना बन रहा है लगातार, यहाँ पर सब चीज़ चल रहा है। यहाँ पर देखिए काम करने वाले यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े बर्तन में खाना बन रहा है। कल हमें लगता है शायद यहाँ पर भंडारे का भी प्रोग्राम है क्या? भंडारा कितने बजे चालू होगा छोटू जी? वही 2 बजे के बाद, सत्संग खत्म होने के बाद। देखिए बाबा जी यहाँ पर देखिए जय गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। बाबा जी कल यहाँ पर लगभग कितने आदमी यहाँ पर आने वाले हैं? अनगिनती हो सकता है। तभी अंदाजा बताइए, 5,000-10,000? कम से कम 8-9 हजार। 8-9 हजार लोग हैं। हाँ, इससे कम तो नहीं आएंगे। कल तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इस क्षेत्र में जय गुरुदेव का कोई प्रोग्राम बहुत दिनों बाद हो रहा है। तो भीड़ तो यहाँ पर कल होने वाली है। फिलहाल सभी लोग खाना खा रहे हैं, कल हम तो आएंगे। फिलहाल चलिए आपको और दिखाते हैं आगे का सीन क्या यहाँ पर है। अभी यहाँ पर पंकज जी महाराज आ चुके हैं, जो कि कहीं पर गांव में विजिट करने के लिए गए हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए, कि हाँ कल ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आ जाएं। और बाकी लोग चारों तरफ टेंट लगा दिया गया। चलिए अंदर आपको दिखाता हूँ फिलहाल और क्या क्या सीन यहाँ पर होने वाला है। क्या और लाइव भी चलाएंगे? लाइव किस पे चलेगा आपका? पंकज जी महाराज। अच्छा, उनका ऑफिशियल चैनल है उसका, और मेरा चैनल है पंकज गांव वाला। तो पंकज जी महाराज ऑफिशियल चैनल और पंकज गांव वाला, कल दोनों पर वीडियो शूट होगा। फिलहाल अभी महाराज जी बाहर गए हुए हैं, यहाँ पर इनकी टीम है। यहाँ पर देखो ये पूरा यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये। आइए चलिए अंदर चलते हैं। बहुत ज्यादा ट्रैक्टर सब ले आ गए हैं, यहाँ पर गाड़ी भी आ चुकी है बहुत ज्यादा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जय गुरुदेव एक संस्था है, एक एसोसिएशन है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, उसके बाद जय इसका लोग इसमें जुड़ते गए। आज जय गुरुदेव में लगभग पूरे विश्व में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं। इस संस्था का मेन मकसद क्या भाई, थोड़ा बताइए। जय गुरुदेव का इसका मेन मकसद ये है कि पूरे हिंदुस्तान में पूज्य महाराज जी की यही निवेदन है कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, ऐसा कोई नशा ना करें जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए और माँ बेटी बहन की पहचान खत्म हो जाए। जय गुरुदेव बाबा जो महाराज है, इनकी मृत्यु सन 2012 में हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जगह जगह पर ट्रस्ट जो भी हो रहे हैं इनके सिर से लगभग चला रहे हैं जगह जगह पर जी। और जगह जगह पर इनके सत्संग कार्यक्रम होते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर सत्संग के लिए पंकज महाराज जी आए हुए हैं, जो कि अभी किसी गांव में गए हैं विजिट करने के लिए, अपने यहाँ पर अनुयायियों को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। फिलहाल मैं बता दूं, जय गुरुदेव बाबा समाज से इतने ज्यादा जुड़े भी हुए थे कि जब 1975 में जब आपातकालीन लागू हुआ था, उस समय 2 साल के लिए महाराज जी को जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि उसका आपातकालीन का महाराज जय गुरुदेव जी ने खुला विरोध किया था। फिलहाल 1977 में इंदिरा गांधी ने खुद जाकर जय गुरुदेव बाबा से माफी मांगी थी। फिलहाल आज के समय में जय गुरुदेव में पूरे विश्व में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये एक संस्था है, एक एसोसिएशन है, एक यूनिटी है, एक एकता है, एक विचार भी है यहाँ पर लोगों को। यहाँ पर अब मेन मकसद है यहाँ पर लोगों को यहाँ पर शाकाहारी करना, पाप तो क्या हुआ, हाँ चले दिखा दे रहे हैं। जय गुरुदेव का मेन मकसद है लोगों को नशा से दूर रखना, सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, ये सब सारी चीजें हैं। इसी सब चीज को देखकर मैं भी थोड़ा इधर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आया हूँ। फिलहाल कल ये मंच बहुत भव्य बनने वाला है, यहाँ पर महाराज जी बैठकर कल अपना सत्संग यहाँ पर सुनाएंगे। और ये महाराज जी की गाड़ी आई हुई है, ये जय गुरुदेव जी का एक गाड़ी है यहाँ पर बाबा जी की। ये दान पात्र नीचे यहाँ पर रखा हुआ है और इनके यहाँ पर चरण पादुका है यहाँ पर। कल यही के इसी के आशीर्वाद से लेकर यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम होगा फिलहाल यहाँ पर। और ये गाड़ी है बाबा जी की यहाँ पर। और चलिए मैं अंदर दिखाता हूँ और क्या हो रहा है।
फिलहाल यहाँ पर पिछले एक महीने से लगभग लोग यहाँ पर लगातार काम के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ देख रहे हैं टेंट लगा है, अभी रात में बहुत अच्छी लाइट यहाँ पर लग जाएगी। यहाँ पर एक जंगल टाइप का था पहले, लेकिन यहाँ पर पिछले एक महीने से साफ सफाई करके इसको एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर स्थली बना दिया गया है, एक आश्रम बना दिया गया है। अभी यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। फिलहाल आइए चलिए अंदर दिखाता हूँ अंदर क्या होने वाला है। फिलहाल अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर चारों तरफ पहले जंगल ही जंगल था, चारों तरफ घास फूस शरबत ये सब था। फिलहाल इसमें इतना ज्यादा साफ सफाई हुआ है कि पिछले एक महीने से इसको पूरा एकदम चकाचक कर दिए हैं। कल दिन में यहाँ पर कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर आने वाले हैं। फिलहाल आज मैं एक दिन पहले ही आ गया था कि चलता हूँ देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, यहाँ पर क्या सीन है। फिलहाल इस तरह से यह गाड़ी है यहाँ पर गांव गांव प्रचार कर रही है, लोगों को जय गुरुदेव में जोड़ने के लिए काम करती है। फिलहाल इस तरह से यह तंबू बना दिया गया है, कैंप है इन सभी का, जो काम करने वाले होते हैं वो इसी में रात में विश्राम करते हैं। फिलहाल इस तरह से जय गुरुदेव को बहुत सारी गाड़ियां लगा दी गई हैं। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा, यहाँ पर मथुरा से भी गाड़ियां हैं बहुत ज्यादा आई हैं सब, क्योंकि वहाँ पर जय गुरुदेव का मेन आश्रम मथुरा में है ही। इस तरह से यहाँ पर देखो विश्राम के लिए स्थल बना दिए गए हैं, जो काम करने वाले हैं इसके अंदर अपना विश्राम करेंगे रात में। और फिलहाल इस तरह से चारों तरफ से भीड़ है, फिलहाल कल भीड़ होने वाली है, कल चीज की मैं आपको दिखाने वाला ही हूँ। फिलहाल संस्था के लोग चलते हैं। अच्छा अच्छा, ये वहाँ पर जो पहले मैं दिखाया था वहाँ तो जो काम करने वाले हैं उन सभी जो लोकल हैं यहाँ काम करने वाले उन सभी का खाना बनता है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों का खाना बन रहा है जो यहाँ पर बाबा जी के साथ रहते हैं, महाराज जी के साथ रहते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर सीन आपको दिखा दिया, फिलहाल 5 से 6 मिनट का वीडियो मैंने बनाया, ज्यादा देर का वीडियो बनाया नहीं। फिलहाल मैं यहाँ पर कल आऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा। बाकी जो जय गुरुदेव के अनुयायी हैं ये सभी इनका सबका रहता है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी, इन सबका यहाँ पर स्लोगन रहता है फिलहाल, और जीवों पर दया करो। उसके बाद इन सबका मेन मकसद रहता है नशा मुक्ति सबसे रहता है कि नशा पत्ती से दूर रहो। ये सारी चीजें हैं फिलहाल, जय गुरुदेव तो नहीं है, फिलहाल उनकी संस्था चल रही है जो उनसे लोग जुड़े हुए हैं, उनका शिष्य है जो आप भी उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिलहाल जय गुरुदेव की एक टीम है, एक संस्था है, एक एसोसिएशन है, एक यूनियन है, इन सभी का रहता है। यूनियन इज द स्ट्रेंथ, जो इनमें जय गुरुदेव में एकता में संगठन या शक्ति बोलते हैं, उस हिसाब से मिलकर इनके शिष्य अभी भी काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी भी इनकी संस्था चल रही है। इनका कहना है शाकाहारी रहना है, क्या खाने से हो खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से हो भलाई, साग सब्जी दूध भलाई। फिलहाल चलिए वीडियो का आज यहीं पर एंड करते हैं, कल हम फिर आएंगे यहाँ पर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अभी जय गुरुदेव के यहाँ पर बहुत सारे लोग को आपको दिखाते हैं उनके ड्रेस में, अभी इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो गांव गांव अभी प्रचार प्रसार के लिए गए हैं। फिलहाल कल है 22 सितंबर, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगने वाला। आज 21 सितंबर, अभी शाम को मैं आया था, थोड़ा बहुत जो वीडियो था मैं यहाँ पर बना के आपको डाल दे रहा हूँ। बाकी कल मैं आऊँगा यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप भी जय गुरुदेव के नियम को इसके फॉलो करते हैं कि आप पाप से दूर रहें, नशा से दूर रहें, शाकाहारी बने, इस सब की मानसिकता अगर अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो आप भी जय गुरुदेव से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।